नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी अखाड़ा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एससे के बारे में डिस्कस करेंगे। एससे की अगर बात करें तो एससे एक लो हैंगिंग फ्रूट है जिसमें हम कम एफर्ट डाल के भी अच्छे ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, और बस हमें एक पता होना चाहिए कि एससे को अप्रोच कैसे करना है। और इसी के लिए आज हमारे साथ हैं मानिक। मानिक, वेलकम टू यूपीएससी अखाड़ा। थैंक यू सर, थैंक यू इनी सर। मानिक के बारे में बताऊं तो मानिक ने दो बार 150 प्लस स्कोर किया है यूपीएससी में, और उसके साथ साथ मानिक अभी प्रेजेंटली असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर है उत्तराखंड हाईकोर्ट में। तो आज हम मानिक से जानेंगे कैसे एससे को सिंप्लीफाइड तरीके से लिख सकते हैं और बच्चों की जो प्रॉब्लम है एससे वाली वो हम काफी हद तक सॉल्व करेंगे। मानिक, जैसे आपने काफी एक तरह से टॉप स्कोर ही अचीव किया यूपीएससी में कई बार एससे में, लेकिन अगर एससे की बात करते हैं तो हमें एक डर लगता है कि इतना बड़ा है, 1200 वर्ड्स लिखने हैं। तो जस्ट स्टार्टिंग में मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, कैसे हम एक ऐसे को देख के हमें डर ना लगे, एक सिंपलीफाइड रहे, तो क्या अप्रोच होनी चाहिए ऐसे को लेके हमारी और स्टूडेंट्स की? सर, ऐसा है कि कुछ पॉइंट्स तो हमें क्लियर रखने पड़ेंगे कि ये जो स्किल है ये ओवरनाइट डेवलप नहीं होगी, लेकिन अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसमें बहुत इजीली कमांड एस्टैब्लिश कर लेंगे। तो अगर मैं कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहूँ तो ऐसे लिखने से पहले आपको कुछ चीजों को बहुत ध्यान में रखना होगा। सबसे पहला है इशू कोहरेंस का, क्योंकि आप जब 1000 वर्ड प्लस वर्ड्स का ऐसे लिखते हैं तो ऐसी बहुत चांसेस होती हैं कि 600 700 वर्ड्स के बाद आपका ऐसे ऑफ टॉपिक चले जाता है। तो कोहरेंस इस नंबर वन जो आपके ध्यान में रहना चाहिए। सर, सेकंड अगर मैं बात करूं तो एक इशू रहता है कि हमारा ऐसे कितना कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, हमारे कितने पॉइंट्स होने चाहिए ऐसे में, क्या हमें 20 पॉइंट्स को एक्सपैंड करना चाहिए। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप मैक्सिमम 4-5 पॉइंट्स अपने चॉइस के रखें और उसे एक्सपैंड करें तो आपकी ज़्यादा एक बढ़िया आपकी इनडेप्थ एनालिसिस भी हो जाता है और वो मोर और लेस आपको एक अच्छा डिसेंट स्कोर दिला देगा। ठीक है, डिलेमा रहता है कि हमें कि 20 पॉइंट्स लिखें, नंबर ऑफ डायमेंशंस बढ़ाएं या 4-5 पॉइंट्स को इनडेप्थ कर दें, तो आप कह रहे हो वो आपके व्यू में वो बेटर रहेगा, 4-5 लोग उसको इन डेप्थ एनालाइज। मतलब यहां प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं अपने इससे तो यही कह सकता हूं कि वो हमेशा को उसका जो क्या कहते हैं वो मार्क्स भी आए आपके इसी अप्रोच को फॉलो करते हैं, ऐसी बात भी नहीं। हां ये सर, मतलब वो है कि एक वन साइज फिट ऑल अप्रोच तो नहीं है, पर जो मुझे लगता है तो वो मैं अपनी व्यूज शेयर कर सकता हूं। तो मेरे लिए हमेशा ये स्ट्रेटजी रिपोर्टिंग रही है, मैंने 140 प्लस भी स्कोर किया है, 150 प्लस भी स्कोर आया है, तो ये स्ट्रेटजी मेरे लिए बहुत काम आई है सर। और थर्ड पॉइंट अगर मैं कहूं तो वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है सर, ब्रेनस्टॉर्मिंग तो एक सोल है ऐसे की। अच्छा, क्योंकि आपके पास टाइम एम्पल होता है, आपके पास 3 घंटे हैं और आपको 2 एसेज लिखने हैं, तो अगर देखा जाए तो आपके पास 1.5 आवर्स हैं एक ऐसे के लिए सर। तो ऐसे लिखने के लिए अगर आप शुरुआत के समय में जब आप शुरू कर रहे हैं या प्रैक्टिस को डेवलप कर रहे हैं तो आप आधा घंटा भी अगर एक ऐसे के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग पे देते हैं और उसके बाद आप 1 घंटा ऐसे लिखते हैं तो वो सर आपका बहुत अच्छा फॉर्मेट बनेगा, आप कहीं रुकेंगे नहीं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक थर्ड पॉइंट है जिस पे आप बिल्कुल आपको फोकस करना है, और विद टाइम जब आप इस आर्ट को प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आप 15 मिनट्स हो सकता है 10 मिनट्स में भी ब्रेनस्टॉर्म कर पा रहे हैं, तो आपके पास लिखने के लिए कंटेंट भी एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में होगा और आपका जो फाइनल जो प्रेजेंटेशन होगी वो आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स दिलाएगा। तो मान लो 3 घंटे का हमारा टाइम है तो हम उसको 1.5 घंटे में डिवाइड कर लें ऐसे के लिए, और उसमें भी 1.5 घंटे के अंदर पहले आधा घंटा ब्रेनस्टॉर्म करें और 1 घंटे में लिखें ऐसे को, ये अप्रोच होनी चाहिए। सर, शुरुआत में ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और आप देखें ना जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप खुद देखेंगे कि आपकी जो ब्रेनस्टॉर्मिंग की कैपेबिलिटी है वो बहुत जल्दी इंप्रूव होगी। तो ये आप खुद आप देख लेंगे कि आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है और वो आपके स्कोर्स में भी रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब तो मेरा पॉइंट मेन ये है ना कि जब आप ऐसे लिख रहे हैं तो तब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 400-500 वर्ड्स लिखे और उसके बाद आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल कहीं अटक गए हैं, तो वो इशू ना हो। इसलिए आप ब्रेनस्टॉर्मिंग पे चाहे ज्यादा समय लगे, आप शुरुआत में ऐसे 900 वर्ड्स का भी लिख रहे हैं तो, पर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग को पूरा अच्छे से करिए। ये जो बात आप कह रहे हो ये सच्ची में इशू आता है, जो मैं अभी कॉपी चेक कर रहा हूँ बच्चों के ऐसे की, तो उसमें स्टार्टिंग में जो बच्चे लिख रहे हैं तो उनको ये डाउट होता है कि सर 400-500-600 वर्ड्स लिख देंगे या तो उसके बाद वो एब्रप्ट एंडिंग कर देंगे उसकी वो, या फिर उसमें कोहेरेंस मिस हो जाएगी। तो इसका जो कहते हैं सोल्यूशन या मैनेजमेंट वही है कि आप इसको पहले ब्रेनस्टॉर्म कर लो, अपने ऐसे को स्ट्रक्चर कर लो। यस सर,
ओके ओके सर ठीक शुरुआत में आप 700 वर्ड्स का ऐसे लिखिए, कोई जरूरी नहीं है आप 1000 वर्ड्स का लिखें, ठीक है। लेकिन आपकी एक बार आप कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आप उसे आगे ले जा सकते हैं, ओवर द पर टाइम आपकी आपने स्ट्रेटेजी यही बताया, रहनी चाहिए, हाँ ओवर द टाइम ही डेवलप होगा, कुछ ऐसे लिखेंगे तीन क्योंकि ऐसे चार स्टेट्स ऐसे। में ऐसे ऐसा होता है, कहीं स्टेट्स में 700 वर्ड्स मांगते हैं, कहीं 600 मांगते हैं, यूपीएससी में थोड़े ज्यादा मांगते हैं, थाउजेंड पर टू टू वो है हंड्रेड कि अगर आप एक बार आपका वो प्रैक्टिस बन गई तो फिर सर कोई इश्यू नहीं रहेगा। ठीक है। और एक मानिक, जैसे कि मैं पूछना चाह रहा था कि ऐसे जो फिलोसॉफिकल ऐसे आते हैं, ठीक है, इनको देख के ही थोड़ा सा लगता है कि अजीब से डर सा लगता है, क्या लिखना है, तो इसमें ही बच्चा ब्लैंक हो जाता है, इसको तो इसको अप्रोच करने की कुछ आप बता सकते हैं? सर कुछ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे मैं एग्जांपल से बता सकता हूँ ठीक है सर, अगर मेन तो ये सर जो आपकी जो नॉलेज है ना, जो आप पढ़ रहे हैं जीएस में वही आपके काम आना है, ऐसे की कोई अलग से तैयारी नहीं है। जो फिलोसफिकल एसेज भी है ना, उसे अगर आप अपने रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से कोरिलेट करेंगे तो आप वो ऐसे फ्रेम कर लेंगे, लेकिन फिर बात वहीं पे घूम के आती है कि आप उस ऐसे को फ्रेम करने में कितना टाइम ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऐसे की बात करता हूँ कि एक ऐसे आया है, मान लीजिए द वर्ल्ड प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरीवंस नीड बट नॉट एवरीवंस ग्रीड, तो कह सकते हैं ये एक मतलब मैसेज बेस्ड ऐसे है। तो अगर मैं इसे ध्यान दूं, मैं अपने रियल वर्ल्ड वर्ल्ड एग्जाम्पल से कोरिलेट करूं, तो मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ सकते हैं जिन्हें मैं इस ऐसे में फिट कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं एक इन्वायरमेंटल डायमेंशन लिखता हूँ कि आज जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये सब कॉन्सिक्वेंस मैन की ग्रीड का ही है। तो अगर मैं लिखना चाहूँ, मैं इसमें 200 वर्ड्स लिख सकता हूँ, 300 वर्ड्स लिख सकता हूँ, 1000 वर्ड्स भी लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसे को थोड़ा डाइवर्सिफाई करना है, तो ये एक मेरा सॉलिड डायमेंशन बनता है। फिर मैं अच्छा रियल वर्ल्ड लाइफ एग्जाम्पल से कॉर्पोरेट मिस गवर्नेंस के एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ, कोई इश्यू रहा हो, पीएनबी स्कैम रहा हो, सत्यम स्कैम रहा हो, तो वो एक डिफरेंट डायमेंशन हो जाता है सर। फिर मैं अगर हिस्ट्री की बात करूं, आप हिटलर की बात कर सकते हैं, जो उसकी ग्रीड थी, लेबेंसराम की पॉलिसी थी, वही उसके डाउनफॉल का रीजन भी बनी सर। तो आप देख रहे हैं ऐसे है, थोड़ा एथिक्स या फिलोसफी बेस्ड ऐसे है, लेकिन आपने लेकिन उसको आप उसके डिफरेंट जो, टाइम हाँ सर, आप उसे रियल वर्ल्ड में एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे सर। और वही है, मैं कहता हूँ ना सर, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग ही है, आपकी नॉलेज सब आपके पास है, लेकिन आप उसे फिल्टर आउट कर पा रहे हैं, यही ऐसे में आपको यही दिखाना है सर। और कुछ अगर एनरिच करना चाहें तो हर कुछ एवरग्रीन टॉपिक्स हैं, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, एनवायरनमेंट है, विमेन रिलेटेड इश्यूज हैं, इनके आप कोट्स रेडीमेड रखें, ठीक आप है जो वो आपको बहुत हेल्प करेंगे, आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऊपर ले जाने में भी हेल्प करेंगे। अच्छा, तो कोर्ट बेस का आपने बताया कि हमें उसको देख के घबराना नहीं है, ठीक है, लाइक वी हैव टू काम नहीं आवर नर्व्स, और हमें डिफरेंट एरियाज में उसको रिलेट करने की कोशिश करनी है। और इसका एक मेरे को जो लगता है कि जैसे सिलेबस जो हमारा है दैट इज वेरी हेल्पफुल इन दिस रिगार्ड। अगर हम GS 1 में जाएं तो सोसाइटी ले लो, हिस्ट्री ले लो, कल्चर ले लो, ऐसे GS 2 में जाए तो गवर्नेंस एस्पेक्ट ले लो, IR ले लो, 3 में जाते हैं तो एनवायरमेंट सिक्योरिटी एथिक्स पे आ जाओ, वैल्यूज मॉरल थिंकर्स, तो 15-20 डायमेंशन तो हम सिलेबस से निकाल सकते हैं कोई भी ऐसे में। ये और सर, हम जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, हमारे पास नॉलेज का तो इश्यू ही नहीं है, अच्छा नॉलेज हमारे पास एक्स्ट्रा है, पर वही है, हम जो एग्जाम का एनवायरनमेंट है उसमें हम कैसे इंफॉर्मेशन को निकाल पा रहे हैं, उसे सही जगह बैठा पा रहे हैं। और ऐसे में सर मेन चीज ये ना, आपके पास टाइम का इश्यू नहीं है, आप जीएस के पेपर्स लिखते हैं, 20 आंसर्स होते हैं, टाइम की पॉसिटी रहती है, तो हो सकता है आप ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं कर सकते, वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसे में ये चीज नहीं है, आप अपना टाइम दीजिए, अपने पॉइंट्स निकालिए और कोहेरेंस मेंटेन करिए, वही चीज मैं बार बार कह रहा हूँ, 1000 वर्ड्स प्लस आपको लिखने हैं, वो एग्जामिनेर को कभी भी नहीं लगना चाहिए कि आप ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, हम फ्लो में लिखते हैं, वो हम बिल्कुल ऑफ टॉपिक हो जाते हैं, इसको कैसे फिर तो एंश्योर कितनी करें कि हम बार। ऑफ टॉपिक ना जाएं, कि ये फ्लो इसको कैसे एंश्योर करें कि ऑफ हम टॉपिक पे रहे, एग्जामिनर को लगे हम टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, इसका कुछ सर हर जब आप पैराग्राफ लिख रहे हैं ना, कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हैं, जो टॉपिक, जो आपका जो हेडिंग है, आप हर पैराग्राफ लिखने के बाद देखें कि आप उसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अच्छा आप देखिए कि जो उसकी हेडिंग है वो आपके पैराग्राफ को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। तभी मैं सर कह रहा हूँ कि शुरुआत में आप छोटा ऐसे लिखिए, कोई जरूरी नहीं है आप 1000 प्लस वर्ड्स लिखें, आप 700 वर्ड्स लिखिए, लेकिन आप ये देखिए कि जो आप लिख रहे हैं वो आप टॉपिक को जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं सर, वो आपकी जो आर्ट है वो विद टाइम डेवलप करेगी, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस और थोड़ा टाइम देना पड़ेगा।
मैं जो बात समझ पा रहा हूँ ना आपकी कन्वर्सेशन मानिक, तो पहली बात तो ये भी जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रही है वो ये है कि बच्चों को ना एससी को देख के घबराना नहीं है, हमारे पास एनफ टाइम है, क्योंकि जीएस पेपर में नहीं होता, यहाँ पे टाइम है एनफ, तो घबराओ मत, है ना, उसको एनालाइज करके और हम लिख पाएंगे एससी, ओवर द टाइम डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि मोस्टली जो मेरे पास केसेज आ रहे हैं, स्टूडेंट जो आ रहे हैं बता रहे हैं, वो एक्चुअली लिख ही नहीं पा रहे, स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे एससी, इसीलिए मैंने आपसे कन्वर्सेशन की थी कि आप कुछ बच्चों को गाइड कर पाए, तो ये बहुत अच्छा उनके लिए निकल के आया कि टाइम इनके पास एनफ है, ब्रेनस्टॉर्म करें, अपने एसे को स्ट्रक्चर करें और धीरे धीरे 3 essay 4 essay जब जैसे वो लिखेंगे तो ये आर्ट डेवलप हो जाएगी उनकी। एक जो हम डिस्कशन कर रहे थे पहले मीटिंग से पहले, तो वो शायद मैं कह रहा हूँ बच्चों के बाद दोबारा रिमाइंड करा दूं मानिक, कि आपने मेरे को एक चीज बताई थी ब्रेक डाउन करने वाली, याद है कोई जस्ट कोई भी, हाँ एक बार उस पर थोड़ा लाइट डाल देना कि कैसे बच्चा उससे और सिंप्लीफाई हो जाएगा मेरे ख्याल से बच्चों के लिए ऐसे लिखना। सर ऐसा है कि कितनी बार हम ऐसे, वही जो आप कह रहे हैं कि ऐसे आते हैं हम फ्रीज हो जाते हैं, ब्रेन फ्रीज हो जाते हैं कि हम कैसे स्टार्ट करें सर, तो उसके लिए क्या है, हमें ऐसे को 4-5 पॉइंट्स में ब्रेक डाउन करना है, तो वो टॉपिक पे डिपेंड करेगा कि आपका टॉपिक कैसा आ रहा है, उस बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि मैंने अपने ऐसे को कैसे फ्रेमवर्क बनाना है उस ऐसे का सर। तो एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, अगर मान लीजिए इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ऐसे आ रहा है, ठीक है, एक बेसिक टॉपिक लेते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो मैं उसे कैसे तोड़ सकता हूँ, मेरा तोड़ने के बहुत तरीके, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप पास्ट की बात कर सकते हैं, प्रेजेंट की बात कर सकते हैं और फ्यूचर की बात कर सकते हैं। तो पास्ट में क्या होगा कि आप फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो स्टीम और स्टीम पावर पे बेस्ड था, आपके पास नॉलेज है, आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है, आप उसे एक्सपैंड कर सकते हैं। प्रेजेंट में आप सेकेंड रेवोल्यूशन और थर्ड रेवोल्यूशन जो इलेक्ट्रिक पावर और आईटी बेस्ड रेवोल्यूशन है उसकी बात कर सकते हैं, और फ्यूचर में जो फोर्थ इंडस्ट्रियलाइजेशन है रेवोल्यूशन है उसमें रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये एक मतलब एग्जांपल है, आप ऐसे को तोड़ सकते हैं और आपके पास नॉलेज होगी, आप रोबोटिक्स में 200 लाइन लिख सकते हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ले सकते हैं, लेकिन आपको एक फ्रेमवर्क मिल गया सर। फिर मैं बात करता हूँ, मान लीजिए आपके पास एक ऐसे है जस्टिस के ऊपर लिखना है, या कोई और आइडिया है, मान लीजिए सेक्युलरिज्म है, डेमोक्रेसी है, तो आप उसे ऐसे तोड़ सकते हैं, मान लीजिए व्हाट इज जस्टिस, व्हाई जस्टिस, व्हेन जस्टिस, वेयर जस्टिस एंड हाउ जस्टिस, 5-6 डायमेंशन मिल गए। व्हाट जस्टिस में सर आप एक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि प्रीएम्बल क्या कहता है जस्टिस के बारे में, जो वेरियस थिंकर्स हैं वो क्या कहते हैं जस्टिस के बारे में। सर वेयर जस्टिस के बारे में आप स्पेशली एनालाइज कर सकते हैं, मान लीजिए गल्फ कंट्रीज में जस्टिस की क्या मीनिंग्स है, कैसे एडमिनिस्टर किया जाता है, इंडिया में क्या उसका आइडिया है, कैसे हम जस्टिस दिलाते हैं लोगों को। सर फिर वेन की बात करते हैं तो आप एक टेम्पोरली एनालाइज कर सकते हैं, एंशियंट इंडिया में जस्टिस क्या था, मिडिवियल में क्या था और मॉडर्न में क्या है। सर फिर बात अगर मैं करूँ हाउ की, तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कैसे होते हैं, मतलब जो जस्टिस सिस्टम है वेदर इट इज रिफॉर्मेटिव और रेट्रीब्यूटिव एंड विच वन इज बेस्ट सूटेड फॉर आर नीड्स। और वाई की अगर बात करें तो आप उसे रियल वर्ल्ड से रिलेट करें कि अगर जस्टिस होगा तो ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, प्रेस फ्रीडम होगा, हैप्पीनेस होगी, जेंडर गैप होगा, इकोनॉमिक सर। तो ये एक तरीका है, मतलब आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि मैं अपने ऐसे को कैसे तोड़ूं, और अगर आपने एक बार उस ऐसे को तोड़ लिया ना, इन्फॉर्मेशन आपके पास है, हाँ वो एक ब्लॉकेट हट जाएगा दिमाग से, स्ट्रक्चर आ जाएगा, फ्रेमवर्क आ जाएगा हमारे पास। हाँ तो ये उसके लिए आप काफी सिंपलीफाई हो जाएगा ऐसी चीजें हमारी। यस सर, आप देख रहे हैं ना ये सब इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। इवन मुझे इतना लग रहा है कि आपसे बात करके कि हाँ भी चीज इतनी सिंपलीफाई है, हम सोचते हैं इसको कि इतना कॉम्प्लेक्स ऐसे आ गया, ये आपने दो टेम्पलेट बताए बड़े इंपॉर्टेंट, एक हम उसको सिलेबस वाइज तोड़ सकते हैं, हिस्ट्री पॉलिटी जो आपने बताया डिफरेंट, और दूसरा ये टेम्पलेट कि व्हाट वेयर व्हाई हाउ वाला कर दो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कर लो, ऐसे अगर हम 4-5 फ्रेमवर्क बता दें बच्चों को या अपने दिमाग में बच्चे कुछ डेवलप कर ले तो उनके लिए ईजी हो जाएगा। और मैं इन्फॉर्मेशन यही देना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम पे हम यूपीएससी अखाड़ा पे यही ऐसे की एक टेस्ट सीरीज भी लेने आने वाले हैं, और मानिक सर के साथ भी लगातार बात करते रहेंगे, कुछ जिसमें वो आपको कुछ टेम्पलेट्स बता देंगे और ऐसे ही सिंप्लीफाई करते रहेंगे चीज़ों को ऐसे के लिए। तो मेरी तरफ से तो यही मानिक सर, आप और कुछ ऐड करना चाहें तो ऐसे के लिए। नहीं सर सही है बिल्कुल, आपकी गाइडेंस में जितना स्टूडेंट्स के लिए हो सकेगा वो करेंगे, क्योंकि सर हम इस फेज से गुजरे हैं और फेलियर भी मिला है, सक्सेस भी मिला है, तो हमें पता है कि कहाँ कहाँ बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो इसमें जितनी हेल्प हो जाएगी हम कर लेंगे, बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, थैंक यू मानिक, मेरे को बिल्कुल यही अच्छा ही लग रहा है काफी आपसे बात करके, मुझे भी लग रहा है वैसे इजी हो जाएगा बच्चों के लिए, काफी हेल्प होगा ये वीडियो, काफी बच्चों के काफी हेल्पफुल रहेगी। और अभी आपका ईपीएफओ का रिटर्न एग्जाम भी क्लियर हुआ है, होपफुली आपका इंटरव्यू अच्छा रहे और फिर फाइनली एज ए ईपीएफओ जिससे ऑफिसर आपका हम इंटरव्यू वापिस करें, और ऐसे ही आप लगातार प्रैक्टिस फिर हाँ अचीव करते रहे। अभी फिर से इंटरव्यू एक देना है तो ठीक है, मैं उसी में लगा हुआ हूँ। लेकिन अच्छा बच्चों के लिए तो ठीक है सर, वही है, सब एक जैसे ही हैं, हम भी इस फेज से गुजरे हैं, तो जिसकी जितनी हेल्प हो जाएगी सर उसके लिए तो हम अवेलेबल हैं। थैंक यू मानिक, है ना। और आने वाले टाइम में मानिक सर भी आपके कुछ ऐसे बता देंगे टेम्पलेट और इवेलुएट कर देंगे, ठीक है। और हम तो लगे हैं इसमें ऐसे कि जनवरी से मोस्ट प्रोबेबली मानिक हम स्टार्ट करेंगे ऐसे का प्रोग्राम, ओके जिसमें कि वही रियलिस्टिक ऐसे जो आप कह रहे हो कोर्ट बेस भी हो और कुछ फ्रेमवर्क भी हो। मेन बात यह कि बच्चा घबराए ना, सिंप्लीफाइड तरीके से ऐसे का अप्रोच करे, क्योंकि बात आपको ही पता है कि ऐसे एथिक्स और ऑप्शन में हम अगर अच्छे मार्क्स लें तो काफी हद तक प्रॉपर आईएएस बनने के चांस बढ़ जाते हैं हमारे, तो टारगेट यही बिल्कुल है। सर, ये हाँ ऐसे आप स्कोर देखेंगे, ऐसे और एथिक्स ही वो पोर्शन है जिसमें लोग बहुत बड़ा गैप क्रिएट बड़ा कर रहे हैं। गैप क्रिएट कर देते हैं। और हाँ वो स्कोरिंग है सर, आप देख रहे हैं ना, मतलब उसमें नंबर आ रहे हैं। आप अगर एक बार कमांड स्टैब्लिश कर देंगे ना बस तो बस आपके 140+ हमेशा आएंगे मतलब सर, टाइम टू तो मार्क्स उसको रेशियो बिल्कुल बहुत ज्यादा है इसमें, मतलब कि कम टाइम देके हम ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं इसमें, ये अप्रोच मेरे ख्याल से सर बिल्कुल ना सर, इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, हमें बस इंफॉर्मेशन स्ट्रेटजी है। बना ठीक करके अपना एज ए प्रेजेंट करना है। है, थैंक यू मानिक, थैंक यू वेरी मच फॉर ओके सर, गाइडिंग अस एंड ऑल द थैंक यू सर, स्टूडेंट्स। हाँ काफी अच्छा लगा आपसे थैंक यू बात सर, थैंक करके, यू ठीक है सर, आपके सो साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ ठीक है मानिक, ठीक ओके सर, है ओके बा ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और मानिक सर ने भी जैसे कहा कि आने वाले टाइम में भी आपकी काफी हेल्प करते रहेंगे और ऐसे के लिए आपको गाइड करते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन।